हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ। तो काफी दिनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, शायद एक महीने के आसपास हो गया। लास्ट को मैंने दशहरे के दिन व्लॉग किया था, लास्ट व्लॉग वही आया था, दशहरा हवन। मैंने काम में बिजी था इसलिए कोई भी व्लॉग नहीं कर पाया। तो चले फिर इस बात को जाने देते हैं अभी। तो आज के सीन में ऐसा है दोस्तों कि आज जो है मैं साइट पर जाने वाला हूँ, पहले हाथरवा। तो शाम को 4:30 बजे चाचा चाची आने वाले हैं। एक महीने के लिए टूर में गए थे पिताजी और वो सब, साथ में गए थे 2 दिन के अंतर में। लेकिन पिताजी जो है अभी 10 दिन के बाद आने वाले हैं और चाचा चाचा जो है शाम को आने वाले हैं। तो बहुत दिनों के बाद वेदू को मिलेंगे तो उनका रिएक्शन देखेगा कैसे होगा, वेदू भी कैसे रिएक्ट करते वो भी देखेंगे। तो इसीलिए आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो चले फिर इस वीडियो को जो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक उठी नहीं है, सोते 8:30 हो गए लेकिन अभी तक उठी नहीं है। ओए वेदु, अजय कौन आवानु छे? हैं दादा? ओ गुमा याद है, गुमा याद छे दादा आवाना है। वेदु ना कोना दादा? क्या दादा आवाना छे? पक्का दादा, पक्का दादा। हैं तो चलिए अभी फिलहाल कपड़े बदल लेते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। कपड़े पहन लिए तो नीचे जाते हैं, नाश्ता बास्ता करते हैं, फिर निकलेंगे हथरवा के लिए। गर्मी का पारा बहुत चढ़ गया है तो एयर कूलर की जरूरत पड़ गई है, तो नीचे से निकाल रहा है। झगड़ो नहीं दोस्तों। अभी हम हाथरवा जाने के लिए निकल गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि महीने भर से हमने कोई भी व्लॉग नहीं किया है क्योंकि हम कहीं पर जा ही नहीं सके हैं, क्योंकि माताजी, पिताजी और फिर चाचा चाची वो सब गए हुए थे महीने भर की यात्रा के लिए। तो चाचा चाची तो आज आने वाले हैं लेकिन माता पिताजी अभी और 10 दिन के बाद आएंगे। तो मेन बात यही है कि हम कहीं पर जा नहीं सके थे कि घर पर मैं, चकू, मानव, वीरू और दादी इतने ही थे और वेदू थी। तो उसको रखने में पूरा दिन चला जाता था, चकू का और सबका और मेरा काम में। तो कहीं पर जा नहीं सके लेकिन अब प्लानिंग करेंगे जरूर से, क्योंकि चाचा चाची भी आने वाले हैं तो कहीं पर जाएंगे। हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम हफ्ते में कम से कम 2 व्लॉग तो लाएँ जरूर से। तो चले फिर इस वीडियो को फिलहाल हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। पहुंचते हैं हाथरवा कंपा। तो हाथरवा भी हम जो मकान बना रहे हैं वो भी काफी काम हो गया है उसका, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए फिर तो अभी मकान पर पहुंच गए हैं। मैंने जब आपको लास्ट में दिखाया तो अभी शायद पहला ही माला था, तो 2 माल कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर का भी जो स्लैब है वो भर चुका है। तो चलिए अंदर जाते हैं, प्लास्टर का काम भी चालू है अंदर। हेलो गाइस, तो अभी हम हाथरवा से निकल गए हैं और मैं थोड़ी देर इधर खड़ा था यहाँ पर। तो फिर अभी निकलते हैं हिम्मतनगर के लिए, क्योंकि अभी घर पर जाकर खाना भी बाकी है और बच गए हैं 2, और मानव और वीरू वो दोनों प्रकाश चाचा को लेने के लिए अभी निकल गए होंगे। वो जो है बिलपर कंपा आने वाले हैं, तो वहाँ पर 3-3:30 बजे उतरेंगे, फिर शाम को खाना खाकर फिर घर पर आएंगे। हेलो दोस्तों, तो जस्ट अभी अभी उठ कर मैं आया हूँ। तो मैं शायद 2 बजे के आसपास हाथरवा से यहाँ पर आ गया था, तो बाद में सो गया था आराम करने के लिए। तो अभी बजे है 5 और शायद मैं सोच रहा हूँ तब तक चाचा और चाची 8-8:30 बजे आएंगे तो उनसे फिर मिलेंगे। तो वो उस वक्त देखते हैं कि वैदेही का रिएक्शन और चाचा चाची का रिएक्शन कैसा रहता है। तो चलिए फिर फिलहाल हम बैठते हैं शांति से, वैदेही के पास जाते हैं। वेदू कौन आवानु छे ताले? दादा? ये दादा, पक्का दादा, पक्का दादा। પછી બાનું નામ શું છે? રમુબા। રમુબા કોણ લેવા કોણ ગયું છે ત્યાં? માનુ ચાચુ। और अभी जो है बैठे हैं तो व्लॉग ही देख रहे हैं हमारा वीरपुर वाला, साथ में बैठकर वेदू का बर्थडे का वीडियो देख रहे हैं।
ચપ્પલ જોઈએ છે તને? ભેડું ની ચપ્પલ? એરી 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 લ્યો, મોજડી પહેરીને તૈયાર થઈ ગયા. વીરુ કા ફોન આયા થા કે વો 10-15 મિનિટ મેં વહાં સે નિકલેંગે, તો યહાં પર આતે આતે ઉનકો 20-25 મિનિટ હો જાયેંગે. તો યહાં પર જો હે હમને તૈયારી સ્ટાર્ટ કર દી હે. ચકુ જો હે તૈયારી કર રહી હે, મહિને ભર કી યાત્રા કરકે આયે હે, તો વેલકમ તો કરેંગે અચ્છા સા. डेकोरेशन हो जाता है, बाद में आपको दिखाएंगे. मस्ती दही लेने गए थे क्योंकि जो दही तिखारी बनानी है आज. बस जस्ट अभी अभी घर पर पहुंचे हैं और ये मेहमान घर पर खड़े. जी रुचि क्या पानी छे? कुकू ने पानी छे? चप्पल पहनो, चप्पल पहनो. क्या आयु कुकू आयु इल्यू मानव को फोन किया था तो वो वहां से निकले नहीं है. तब तक हम जो है आरती पूजा कर लेते हैं. तो अभी सब बैठे हैं, राह देख रहे हैं. लिख रही है पेन से कुछ. 10 मिनट में रिएक्शन कैसा होगा दिखाते हैं आपको भी. बहुत ही मजा आने वाला है. क्या की मारी दिक्री? क्या मारी दिक्री? क्या की મારી દીકરી મારી દીકરી. कुछ रिश्ते होते हैं जो अपने आप में अनोखे होते हैं, जैसे दादा पोते का, दादा पोते का, और वो रिश्ता हमेशा अनोखा रहेगा. और हमारे गुजराती में कहावत है कि मूड़ी करता व्याज हमेशा वालू है, એટલે દીકરા કરતા પોતરા હંમેશા વાલા જ રહેવાના. गया हूं तो कोशिश करता रहूंगा कि आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग लाता रहूं. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. मिलते हैं किसी ऐसे अगले व्लॉग में. तब तक के लिए टाटा बाय.